विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में बाल अधिकार संरक्षण की समीक्षा बैठक अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष शर्मा ने बाल संरक्षण से जुड़े समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रोबेशन विभाग से समन्वय बनाकर बाल संरक्षण अधिकार पर कार्य करें। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह को निर्देश दिए कि कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की बालिकाओं तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की कन्याओं का कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराकर लाभान्वित कराएं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना के पात्र बालक बालिकाओं को समय पर लाभ दिलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अभियान चलाकर मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कराएं और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कराएं। उन्होंने समाज कल्याण, युवा कल्याण, नेहरू युवा कल्याण, CWC, शिक्षा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय तथा नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरातन छात्र संघ एवं अभिभावक संघ की एक संयुक्त निगरानी समिति बनवाएं, जिसमें ग्राम प्रधान, विद्यालय के शिक्षक, ग्राम सचिव, अभिभावक एवं गणमान्य व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए और समिति का दायित्व होगा कि किसी विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में कोई शराब एवं पान पुड़िया है तो उसे हटवाएं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहिताश कुमार, जिला विकास अधिकारी AP सिंह, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा CWC के अध्यक्ष COCT सतेंद्र सिंह व हरियाणा शिल्पी कुमारी आदि उपस्थित रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। चाइल्डलाइन, हमारे CWC के लोग और श्रम विभाग के लोग, इससा और ASTU, हमारी पुलिस, और ये सब मिलकर जाएंगे और मिलकर जो बच्चा रेस्क्यू होगा वो CWC के सामने पेश किया जाएगा। और जब बच्चा अगर दावाली निकलता है, बाल श्रम वाला निकलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जाकर मैं महिला मैरिज में और अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उन बच्चों की मैरिज में भी गया और वहाँ पर मैंने दो झूले लग रहे थे, क्योंकि मैं जेल, महिला जेल में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मैंने आज एक निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जाता और उनको निर्देश दिया है कि वो एक झूला और बच्चों के लिए लगाएं और वहाँ पर पठन पाठन की भी व्यवस्था कैसी है उसको भी मैंने चेक किया। टीचर मुझे मिले थे वहाँ और अल्पवयस्क बच्चों को भी टीचर पढ़ाते हुए मिले थे, उनकी क्लास चल रही थी। और दूसरा जो छोटे बच्चे थे, 9 की संख्या में बच्चे थे वहाँ पर, उन बच्चों की भी क्लासरूम को मैंने चेक किया और वहाँ भी टीचर जाती है। उसके बाद फिर मैं अपने NRC भी गया, महिला चिकित्सालय भी गया, मैंने मरीजों के तीमारदारों से भी बात की और मैंने जब इमरजेंसी पर पूछा और वहाँ OPD पे पूछा, मैंने दवाई मिल रही है, बोले मिल रही है, बोले डॉक्टर देख रहा है, बोले देख रहा है। एक डॉक्टर साहब शायद ऊपर थे, बच्चों वाले डॉक्टर साहब, वो तुरंत आ गए थे जैसे मेरा समाचार और तुरंत मरीज। एक समस्या यहाँ पर आई थी कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और उसके लिए मैं